नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है डीवी न्यूज में। इंदौर की सेंट्रल जेल में 2.5 साल से बंद एक नाइजीरियन शख्स बरी होकर छूट गया, लेकिन उसकी मुसीबतें कम नहीं हुई हैं। ठगी के आरोप रहे 27 साल के विजम ओविन्ना को अब पुलिस ने बंदी बनाकर थाने पर बैठा लिया है। दरअसल उसके पास ना तो वैध पासपोर्ट है ना ही वीजा, ऐसे में उसे ना तो भारत में खुला घूमने दे सकते हैं और ना ही उसकी वतन वापस जाने दे सकते हैं। अब एक पुलिस अफसर कह रहे हैं कि उसे जल्द वापस उसके देश में भिजवाएंगे, तो दूसरे अफसर कहते हैं कि वह बरी कैसे हो गया, इसके खिलाफ अपील करेंगे। दुविधा में थाने की पुलिस है, जिसे इस बिन बुलाए मेहमान की आवाभगत करना पड़ रहा है। दरअसल इंदौर की 62 वर्षीय महिला से 31,64,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में विजडम ओविन्ना उम्र 27 साल को अप्रैल 2021 में इंदौर साइबर सेल ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। तब विजडम 25 साल का था। उसकी गिरफ्तारी के बाद साइबर सेल के अफसरों ने बताया था कि विजडम एक गिरोह का हिस्सा था, जो सोशल मीडिया पर महिलाओं से दोस्ती करता था और फिर उन्हें लॉटरी और गिफ्ट देने के नाम पर धोखाधड़ी करता था।